Welcome Brain Booster. This is Jyoti and today I will tell you how we can prepare halogens by van der Meer reactions. जो कि हमारे क्लास 12th का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स उसका सब टॉपिक है हाउ वी आर प्रिपेयरिंग दी हैलोएरीन्स. सो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर दी हैलोएरीन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता चुकी हूँ और आज हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज दी प्रिपरेशन. किसकी प्रिपरेशन करनी है? प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स फ्रॉम एमाइन्स. एमाइन्स करनी है और इस पूरे रिएक्शन को जो है हम किस नाम से जानते हैं? van der Meer रिएक्शन. इस रिएक्शन का जो नाम है दैट इज दी van der Meer रिएक्शन. van der Meer रिएक्शन वो क्या रिएक्शन होता है? बाय दिस मैथड जो amines है they are converted into the disodium salt. तो जब भी हमारे पास जो amine है जब भी हम benzene के साथ NH2 group को लगा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? aniline. और ये हमारा aromatic amine है. इसे अब हम nitrous acid that is HNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री तक होना चाहिए. सो इन केल्विन स्केल में दैट इज 273 टू 278 केल्विन तक होना चाहिए. डिग्री सेल्सियस में वी आर हैविंग 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. जब हम एमाइन जो हमारा एरोमेटिक एमाइन है जिसे हम एनिलीन कहते हैं उसे नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर हैविंग द डाइजोनियम सॉल्ट. हमें क्या मिल जाता है? डाइजोनियम सॉल्ट दैट इज N2 एंड Cl माइनस. ये हमारे पास क्या आ गया है? डाइजोनियम सॉल्ट. अब डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हम इसके साथ अगर हमें क्लोराइड या ब्रोमाइड एरीन्स बना रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसके साथ कुप्रस क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है, और साथ में हम वही मिनरल एसिड लेंगे जो हमने यहाँ पे हेलो एरीन्स बनाना है. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा? दैट इज दी क्लोरो एरीन्स, ठीक है. तो इस मेथड से हम लोग जो है वो क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन को बना सकते हैं. इस मेथड से मींस अगर हम फ्लोरो बेंजीन नहीं बना सकते एज आई सेड बिफोर कि जो हमारे फ्लोरीन है इट इज वेरी हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव और रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण इस मेथड से भी हम लोग जो है फ्लोरो एरिंग्स नहीं बना सकते हैं. इस मेथड से हम लोग क्लोरो एरिंग्स ब्रोमो एरिंग्स बना सकते हैं और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? कुप्रस क्लोराइड की. तो ये हमने जो लिया है व्हाट इज दैट? ये हमने जो यहाँ लिया हुआ है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ये है हमारा कुप्रस क्लोराइड, ठीक है. कुप्रस क्लोराइड जो हमने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा? N2 गैस जो कि एस्केप हो जाएगी और हमें यहाँ पे क्लोरो बेंजीन जो है वो मिल जाएगा. इसी तरह से हम इस मेथड से किसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ब्रोमो बेंजीन को. तो हम एनिलीन से हम जो हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया वो तो सेम ही मेथड है. तो यहाँ पे हमारा डाइजोनियम सॉल्ट आ गया और अब हमने अगर बनाना है what we are going to make bromobenzene तो हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे? कुप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में और साथ में हम वही मिनरल एसिड ले लेंगे जो हमने यहाँ पे जिस जो हैलोजन आपने लगाना है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? वी आर हैविंग दी ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 गैस. जो गैस है वो यहाँ से इसके हो जाएगी.
अगर अब हमने आयोडो बेंजीन बनाना है तो मुझे कुप्रस आयोडाइड की नीड नहीं है। जो हमारा आयोडो बेंजीन बनेगा वो इतना ज्यादा इजीली बन जाता है जब हम पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड को डाइजोनियम सॉल्ट से सिंपल शेक करें तो वो इजीली रिएक्ट हो जाता है। तो अगर हमने आयोडाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे जो कि हम एक बार प्रिपेयर कर चुके हैं और सिंपल शेक करेंगे किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ या सोडियम आयोडाइड के साथ, और हमें क्या मिल जाएगा, आयोडो बेंजीन प्लस N2 जो गैस है वो यहाँ से इसके हो जाएगी। सो इस मेथड से हम लोग, इस मेथड को हम सैंडेमियर रिएक्शन कहते हैं। दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। अगर हमने क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो हमें कुप्रस ब्रोमाइड या कुप्रस क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हमने आयोडो बेंजीन बनाना है तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड कुप्रस आयोडाइड। ये जो रिएक्शन है ये सिंपली जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को शेक करते हैं वी आर गेटिंग द आयोडो बेंजीन। तो जल्दी से आप इसे नोट करें। विद दिस वी फिनिश्ड विद द सैंडेमियर रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।